हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा का डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट का असली नाम स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाते हैं। जब हम डॉट करते हैं दो वेक्टर्स को, वहां से स्केलर नंबर मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन सीखेंगे, क्या होते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से ए वैक्टर है और यहाँ से ये बी वैक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एंगल थीटा बनाता है। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करूं, तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हाँ अगर ए वेक्टर के बने हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होंगी, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, और ये एंगल ए और बी आपस में कितने एंगल बनाता है, तब हम इसकी डिफिनीशन आसानी से सीख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर होगा? पहले को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दूसरे वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और इस एंगल का कॉस साथ रखना है, कॉस ऑफ थीटा, इसके बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर पहले एक और पॉइंट आप सीखो, अगर यहाँ ये प्लेन पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहाँ तक मैंने आई केप रखा, एक्स की जानब आई केप होता है, यहाँ तक क्यों रखा? क्योंकि आई केप की मैग्नीट्यूड वन होता है। यहाँ से मैंने जे केप रखा, जे केप की मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। और यहाँ से मैंने के केप रखा। अगर मैं आई को आई के साथ डॉट करूँ, आई डॉट आई, ध्यान से सुनना, आई डॉट आई किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ एंगल, ये कितना बनाता है? यहाँ पर ये आई है, जीरो एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस है, आई के पर आई के पे, तब एंगल जीरो आएगा ना। मान लो ये कोई वेक्टर है, इसी पर दूसरा वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपस में कितना एंगल बनाते हैं? जीरो एंगल। अगर ये ए वेक्टर है और यहां से ये बी वेक्टर आ रहा है, तब तो ये एंगल कुछ ना कुछ बनाता है। इसीलिए याद रखना, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में प्लेन पर 90 डिग्री बनाता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में 90 डिग्री बनाता है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में 90 डिग्री बनाता है। क्योंकि प्लेन पर जब हम तीन एक्सिस डालते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई डॉट जे करो या जे डॉट के करो या के डॉट आई करो, आपका एंगल रखना थीटा आपस में 90 डिग्री। इनके बीच में एंगल 90 है, आई डॉट जे के बीच में 90 है, और आई और के बीच में एंगल 90 है, मगर आई और आई के बीच में एंगल कितने है? 0 डिग्री। तब क्या आएगा? कॉस ऑफ 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ आई किसके बराबर होगा? दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, वन इंट आई केप का मैग्नीट्यूड वन। कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर। 1 इंटू 1 इंटू 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये याद रखना, अगर आप आई को आई के साथ डॉट करोगे या जे को जे के साथ डॉट करोगे या के को के साथ डॉट करोगे, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ये याद रखना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा 1 के बराबर होते हैं। अगर आप आई को जे के साथ डॉट करोगे तब क्या आएगा? हम देखते हैं, आई डॉट जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, आई और जे आपस में कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तब आएगा एंगल कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री। हाँ, आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा, जे यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा। कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होते हैं। आई डॉट जे, जब आप आई को जे के साथ क्रॉस डॉट करोगे या जे को के साथ डॉट करोगे या के को आई के साथ डॉट करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आई को आई के साथ डॉट करो, जे को जे के साथ डॉट करो, के को के साथ डॉट करो, आपका आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट्स, ये पहले आपको याद रखना जरूरी है। पहले हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम हम स्केलर वेक्टर भी बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। और हमने ये भी सीखा, आई को आई के साथ डॉट करो, जे को जे के साथ डॉट करो, के को के साथ डॉट करो, आपका आंसर 1 आएगा। आई को जे के साथ डॉट करो, जे को के साथ डॉट करो, के को आई के साथ डॉट करो, आपका आंसर 0 आएगा। अब हमारे पास पहले है, मेरे पास है दो वेक्टर, ए वेक्टर आपके पास है 2i + 3j + 5k
दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 7k। मान लो ये दो वेक्टर है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैंने आपको ए बी आपको बोला, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए फार्मूला, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैग्नीट्यूड ए का निकालो, मैग्नीट्यूड बी का निकालो और कॉस ऑफ थीटा निकालो, वो कितनी एंगल बनाती है। मगर इस वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड एक तो आएगा, बी तो आएगा, मगर एंगल हम नहीं निकाल सकते। तब इसके लिए क्या करना है आप देख लेना, हम सीधे पहले देख सकते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू रखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट 4i प्लस 6j प्लस 7k। अब देख लो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर मैं 2i को 4i के साथ मल्टीप्लाई करूं, देखो क्या आएगा, 2 4 8 i डॉट i 1 के बराबर होता है। अगर मैं 2i को 6j के साथ, इसी पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ देखो, 2 6 12 तो बनेगा, i को j के साथ ऐड करने i डॉट j 0 आएगा। इसका मतलब i को i के साथ आंसर मिल रहा है, i को j के साथ जब हम करेंगे 0 आएगा, आई को जब हम के साथ करेंगे 0 आएगा। अब दूसरे में आ जाओ, 3j डॉट 4j 3 4 12 तो आएगा, जे डॉट आई 0, 3 6 18 जे डॉट जे 1। इसका मतलब क्या है, आई को आई के साथ ऐड करना है, जे को जे के साथ ऐड करना है, के को के साथ ऐड करना है। अगर आप के को आई के साथ ऐड करोगे 5 4 12 की तो आएगा, के डॉट आई किसके बराबर होगा 0, 5 6 30 तो आएगा, के डॉट जे किसके बराबर आएगा 0, 5 7 35 के डॉट के 1 के बराबर होते हैं। हमें जब भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट निकालना है, तब आपको आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ करना है, के को के साथ करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2k। ये दो वेक्टर है हमारे पास, अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, पहले मैं वेक्टर ए को डायरेक्शन रेशियो निकालूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर, वो हमें डिनोट करूँ a1 b1 c1 से, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू -2। अगर मैं दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालूं, a2 इक्वल टू -2, b2 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू 2। अब अगर मैं a1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, हाँ 2 2 -4 i डॉट i 1, j को j के साथ करूं, j डॉट j 1, k डॉट को k साथ मल्टीप्लाई करूं, k डॉट k 1। अगर मैं ऐसे करूं, i को j के साथ, इसको इसके साथ करूं, तब आंसर 0 आएगा। इसका मतलब हमारा क्या करना है, हमें i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, k को k साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस या माइनस जो आपको आएगा वहां से। ऐसे a1 को a2 के साथ प्लस b1 को b2 के साथ प्लस c1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके, या तो आपको एंगल पता होना चाहिए, तब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ दैट एंगल a डॉट b मिलेगा, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, स्केलर आएगा, इसीलिए इसको दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर वेक्टर भी बोलते हैं। अब अगर आपको एंगल गिवन नहीं होगा, तब हम दूसरे तरीके से भी क्या वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ए वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालना है, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालना है, सीधे आई केप के कोफिशेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, आपका a डॉट b मिलेगा। अब स्टूडेंट्स मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद हम प्रोजेक्शन सीखेंगे। प्रोजेक्शन किसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्शन जैसे वो शेडो होते हैं ना, मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है, यहां से ये बी वेक्टर जा रहा है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर कब ए वेक्टर पर गिरेगा, ये कब इसके ऊपर आएगा, कॉइन साइड बनेगा, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये बी वेक्टर ऐसे आएगा, ये ऐसे गिरना चाहिए, तब हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए वेक्टर ऑन बी, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी। इसके लिए क्या करना होता है, सीधे ए वेक्टर को के डॉट करना है बी केप के साथ, उसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है, जो जो
ए पर आएगा, जो कोइंसाइड बनता है कौन बनेगा कोइंसाइड, ए और बी, बी आता है ए पर, तब हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो गिरता है ऑन, यहाँ कौन गिरता है बी आते है, तब ऑन के बाद जो वेक्टर होगा इसका यूनिट वेक्टर निकालना जरूरी है। हमें यूनिट वेक्टर पता है बी केप किसके बराबर होते हैं, बी वैक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, ऐसा तब हमें ये किसके बराबर आएगा ए वेक्टर डॉट बी केप के वैल्यू क्या लिखूं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब पहले ए और बी को डॉट करना है, डॉट तो हमें आता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स तीन चीज़ें हमने सीखा है, पहले हमने सीखा है ये मैं थोड़ा रिवाइज करूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चौथी एक्सरसाइज के लिए और थ्री डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर के दो फार्मूला है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, या ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर का दूसरा फार्मूला है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। अब आपको याद रखना है ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू कब लगाना है, जब आपको एंगल गिवन नहीं होगा, अगर आपको एंगल गिवन होगा तब आपको सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा लगाना है। दूसरा हमने पढ़ा है अगर हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या जे को जे के साथ डॉट करेंगे, या के को के साथ डॉट डॉट करेंगे, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा वन आएगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है। स्टूडेंट्स ये आपको याद जरूरी रखना है। इसके बाद अगर मैं आई को जे के साथ करूं, या जे को के साथ डॉट करूं, या के को आई के साथ डॉट करूं, हमारा आंसर जीरो आएगा। इसके बाद एक और हम पहले सीखेंगे, अगर मैं ए वेक्टर को डॉट करूं ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर जैसे आई वेक्टर डॉट ऑफ आई, आई के डॉट ऑफ आई, एंगल तो वहां जीरो होता है, यहाँ दो वैक्टर ए और ए है, इनका एंगल भी आपस में क्या है जीरो, तब क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस ऑफ जीरो डिग्री, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बनेगा, कॉस ऑफ जीरो वन के बराबर होता है, तब वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तीसरा हमने पढ़ा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर, तब वो क्या होता है, पहला वैक्टर वापस रखना है दूसरे वैक्टर का।